हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो जितने भी आपने ये विंटर्स के पौधे लगाए थे उनमें जो फूल खिले थे अभी वो मुरझाने लगे हैं, और काफ़ी सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो कौन से पौधों के आप फूलों को आप नेक्स्ट सीज़न के लिए, उनके सीड्स आप कैसे कलेक्ट करें, स्टोर करें, ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं ये गजनिया के फ्लावर से। दोस्तों, गजनिया के फ्लावर्स के जो सीड्स होते हैं दोस्तों, काफ़ी हल्के होते हैं। अगर आप इन्हें पौधों में ही ड्राई होने देंगे पूरी तरह, तो ये हवे से ही उड़ जाएंगे, ऐसे इनके सीड्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब ये पूरी तरह ड्राई होने के पहले फूल जब पूरा मुरझा जाता है उसे आप तोड़ लें, और तोड़ने के बाद एक बोल में आप कलेक्ट करते जाए, और उस बोल को आप पूरी सनलाइट में रख दें, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो फ्लावर जो है पूरा ड्राई हो जाता है बोल में ही। और ड्राई होने के बाद अगर आप उसे तोड़ेंगे तो ऐसा वाइट सा आपको दिखेगा, बिल्कुल कॉटन की तरह। और जब आप इसे क्रश करेंगे तो इसमें एक हार्ड स्टिक सी महसूस होगी। तो यही गजनिया के सीड्स होते हैं। तो ये जितना भी वाइट आप देख रहे हैं ये गजनिया के सीड्स है। तो इसे आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न के लिए आप स्टोर कर ले। तो आप एक एक अगर आप सीड लेते हैं जो वाइट पोर्शन है इसका अपने फिंगर्स में रब करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है। तो इसे आप एक जब पूरी तरह ड्राई करने के बाद आप इसे पेपर में रैप करके नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर कर ले। नेक्स्ट है दोस्तों ये नास्टेशियम, और ये आखिरी फूल है नास्टेशियम का। और आप सीड्स देख सकते हैं इतने तैयार हो चुके हैं। इस ये मैंने पाँच पौधे लगाए थे एक गमले में, तो और फूल भी काफ़ी सारे आए थे। तो फूल काफ़ी सारे आए थे तो सीड्स भी इसके काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। तो सीड्स आप देख सकते हैं बंच में आता है दोस्तों, तीन का एक बंच होता है, और ये हाथ लगाने से ही ये आपके हाथों में गिर जाते हैं, या अपने आप ही ये गमले में भी आप देख सकेंगे कि गमले में भी काफ़ी सारे सीड्स इसके गिर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन है, और इसे मैं पूरे धूप में रखूँगी तो ये जो कलर है इसका सूखने के बाद ये ब्राउन हो जाएंगे, और अच्छी तरह इसको धूप दिखाने के बाद ही मैं इसे अगले सीज़न के लिए स्टोर करके एक पेपर में रैप करके इसे रख दूँगी। तो नास्टेशियम के भी सीड्स अब आप देख सकते हैं एक ही गमले से दोस्तों ये इतने सारे सीड्स निकले हैं। तो इसे भी आप कलेक्ट करके रखें। और नेक्स्ट है दोस्तों ये पेटूनिया के सीड्स और पेटूनिया के फ्लावर्स आप देख रहे हैं। अभी मार्च एंड शुरू है और फिर भी इनके फ्लावर्स काफ़ी खिल रहे हैं। पर अगर आप इनके पौधे के को देखेंगे तो नीचे की तरफ इनके काफ़ी सारे सीड्स तैयार हो जाते हैं। कुछ बिल्कुल ग्रीन होते हैं और कुछ बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ब्राउन कलर में, और काफ़ी सारे सीड्स जो है इनका बड जैसा सीड होता है, और वो फट के उसी में ही जो सीड्स है लीव्स में चिपक जाते हैं। तो उन्हें आपको निकाल के आपको एक बोल में रख लेना है, पूरी धूप दिखा देना है, और जब आप इसे क्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सीड्स आपको बोल में नज़र आएंगे। तो इन्हें भी आपको दोस्तों पूरी धूप दिखाना है, और धूप दिखाने के बाद कोई भी सीड आप जैसे निकालते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उसे आप पूरी धूप में रख के और फिर उसे आप पेपर में रैप करके नेक्स्ट सीज़न के लिए रख ले। तो ये हो गया पेटूनिया सीड्स दोस्तों। नेक्स्ट है ये आइस प्लांट, और आइस प्लांट के भी अभी का भी सीज़न अभी जाने लगा है। तो फ्लावर्स आप देख सकते हैं अभी मुरझा रहे हैं, तो इनके भी सीड्स काफ़ी तैयार हो चुके हैं। अभी ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हैं इनके सीड्स, पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी इनके बिल्कुल बड जैसा ही होता है इसका भी, और इसके अंदर ही काफ़ी सारे सीड्स होते हैं दोस्तों। जैसे आप ये देख सकते हैं जब ड्राई हो जाएगा तो काफ़ी सारे सीड्स आप इसके अंदर देख सकेंगे, और सीड्स का कलर बिल्कुल जैसे ऑफ वाइट ब्राउन कलर में होता है, जैसे पेटूनिया के सीड्स होते हैं वैसे ही इनके भी होते हैं, पर कलर जो है ऑफ वाइट ब्राउन ऐसा कलर में इनकी सीड्स होते हैं। तो इसे भी आपको पूरे धूप में रख के सुखा लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों ये वर्बीना, और वर्बीना के भी फूल अभी फ्लावर्स अभी कम दिख रहे हैं, क्यों, और इनके सीड्स अभी पूरी तरह
तैयार हो चुके हैं, कुछ ग्रीन है और जो बिल्कुल ब्राउन कलर में है, जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, उसे मैं तोड़ दूंगी अभी। तो कम से कम ये 5-6 गमले मैंने वर्बिना के लगाए थे, तो और इतने सीड्स इस बार तैयार हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छे से केयर अगर आप करते हैं विंटर्स में इन पौधों की, तो सीड्स भी आप देखेंगे इस टाइम काफ़ी सारे सीड्स तैयार हो जाते हैं। और वर्बिना के सीड्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो थोड़े लंबे होते हैं और ये पूरी तरह तैयार तभी होते हैं जब ये ब्राउन कलर में हो जाते हैं इनका कलर, और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं पौधे में ही। तो उन्हें जितने भी अभी ड्राई सीड्स है उन्हें मैं तोड़ के एक बोल में रख लूँगी, और बाकी जो ग्रीन सीड्स है अभी जो तैयार हो रहे हैं उन्हें मैं पौधे में ही पूरी तरह से ड्राई होने दूँगी, और ड्राई होने के बाद मैं इन्हें निकाल के अच्छे से धूप दिखा के और फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर करूँगी। तो एक्चुअल में इनके सीड्स कैसे होते हैं दोस्तों वर्बिना के, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये पूरी तरह ड्राई किए गए सीड्स है, और इसे मैं अगर एक बोल में क्रश करती हूँ तो आपको छोटे छोटे एक पतले से ब्लैक स्टिक्स नज़र आएंगे, जो कि एक्चुअल में वर्बिना के सीड्स होते हैं। तो क्रश करने के बाद आप देखेंगे कि जो ब्लैक स्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, वो वर्बिना के सीड्स है। तो ऐसे ही दोस्तों और भी फ्लावर्स के सीड्स तैयार हो रहे हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।